भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक अंतर्राष्ट्रीय लवी मेले पर कोरोना की छाया रही। सूक्ष्म तरीके से मनाए जा रहे इस मेले में खरीददारों की दरकार है। मेला मैदान में इस बार स्थानीय उत्पादों को ही स्थान दिया गया है। सूखे मेवों में चिलगोजा इस बार सस्ता हुआ है, लेकिन किन्नौरी राजमा में तेजी आई है। मंदी को देखते हुए मेले की मियाद को बढ़ाए जाने की व्यापारी मांग कर रहे हैं। शिमला जिला के रामपुर बुशहर में 300 वर्षों से भी अधिक समय से मनाया जा रहा व्यापारिक उत्सव अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला इस बार कोरोना महामारी के कारण सूक्ष्म तरीके से मनाया जा रहा है। रामपुर के पाठ बंगला मैदान में 11 से 14 नवंबर तक मनाए जाने वाले इस उत्सव को भारत तिब्बत व्यापारिक संबंधों के प्रतीक के रूप में भी मनाया जाता है। इस बार विश्वव्यापी कोरोना महामारी के चलते औपचारिकताएं पूर्ण करने के लिए इस मेले का आयोजन करने का निर्णय लिया गया। मेले में केवल स्थानीय उत्पाद जिनमें सूखे मेवे, ऊनी वस्त्र व अन्य हस्त निर्मित सामान को ही स्थान दिया गया है। इस बार मेला मैदान में पहुंचे स्थानीय व्यापारियों को भी मंदी की मार से गुजरना पड़ रहा है। कोरोना के कारण खरीददार कम ही पहुंच पा रहे हैं। मेला मैदान में आए स्थानीय व्यापारियों ने मांग की है कि इस मेले के समय में बढ़ोतरी की जाए ताकि उनका सामान बिक सके। मेला मैदान में प्रमुख आकर्षण सूखे मेवों में चिलगोजा, अखरोट, खुमानी, बादाम, गुच्छी, दालें, ऊनी वस्त्रों में टोपी, पट्टी, पट्टू, शॉले, मफलर आदि हैं। इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले चिलगोजा सस्ता हुआ है, जबकि किन्नौरी राजमा में काफी उछाल आया है। व्यापारियों ने बताया कि इस बार चिलगोजा 1300 रुपए किलो, अखरोट 300 से 500 रुपए किलो, खुमानी 300 से 500 रुपए किलो, बादाम 9 से 1100 रुपए किलो, राजमा 190 से 240 रुपए किलो, गुच्छी 14000 रुपए किलो, चूली का तेल 1200 रुपए लीटर है। उन्होंने बताया कि इस बार मेला लगाने के लिए टाइम कम दिया गया है। कोरोना की वजह से लोग नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें मंदी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से इस मेले को बढ़ाने की मांग की है ताकि उनका सामान बिक सके। तहसील मोरंग, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश से मैंने राजमा, चिलगोजा, अखरोट, बादाम, गुच्छी, चूल्ली का तेल, सेब, सूखे सेब, नमकीन चाय और खुमानी, शकरपारा, काला जीरा, ये सब जो किन्नौर के प्रोडक्ट्स हैं सारे लेके यहाँ पे आए हुए हैं। तो इस बार चिलगोजा का रेट पिछले बार की अपेक्षा कम है। पिछले बार 1800 रुपये किलो था, इस बार 1300 रुपये किलो है। राजमा का रेट इस बार बढ़ गया है, जो ये कैप्सूल राजमा 240 रुपये किलो हम बेच रहे हैं इस बार। मेरे पास शॉलों का काम है और स्टॉल वगैरह, पट्टू, टोपी वगैरह जी। तो इस बार हम कम ही लोग आए हैं किन्नौर से। एक तो कोरोना महामारी के डर भी है, बहुत ज़्यादा डर भी है। तो फिर भी चलो थोड़ा बहुत हमने सामान तैयार कर रखा था, क्या पता लगा ही ले, बड़ा मेला टूटेगा नहीं। इस करके हम आए तो हैं तलाए, और प्रशासन ने अभी 4 दिन का ही टाइम दिया है 14 तक। तो हम चाहते हैं कि थोड़ा टाइम बढ़ाए ताकि हमारा भी थोड़ा बहुत काम निकले। कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं जी। सर्दी में बड़ा मुश्किल से काटते हैं, ये टोपियाँ, कोट की पट्टियाँ, डोरू लाते हैं। तो क्या क्या रेट रखा है? कोट की पट्टी का 2500 भी है, 2000 भी है, 1500 तक है। टोपियाँ 400 से लेकर 350 तक है। अभी साल ये हालत में बिकने का टाइम नहीं दे रहे हैं, कम से कम टाइम बढ़ाया जाए। वहीं तहसीलदार रामपुर कुलताज सिंह ने बताया कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय लवी मेला कोविड-19 को देखते हुए सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मेला मैदान में पूरी एहतियात बरती जा रही है ताकि कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। हेल्थ का एस्टेब्लिश किया है, वो वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग वगैरह जो है वो इंश्योर कर रहे हैं। बाकी पुलिस की टीम वहाँ पे है, वो सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह इंश्योर कर रहे हैं। बाकी जो स्टॉल्स भी हैं वो भी हमारी तो कोशिश ये थी कि एक एक, अगर 200 तक जो था, हम सोच रहे थे कि 200 तक व्यापारी आएंगे, बट वो बहुत कम आए। और हमारी ये थी कि अगर ज़्यादा व्यापारी आएंगे तो हम उनको क्या करेंगे कि बीच में भी जो स्टॉल्स हैं उसके बीच में भी स्पेस रखेंगे। इस बार माननीय जिलाधीश महोदय ने डायरेक्शन दी थी कि इस बार जो है वो 11 से 14 तक ही रहेगा। सिटी चैनल के लिए रामपुर से विशेषर नेगी की रिपोर्ट।